इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआत आज से हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। इसके तहत कुल 18 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण सुरक्षा के इंतजाम काफी पुख्ता किए गए हैं। अब नक्सल प्रभावित 8 जिले के मतदाता मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 190 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इनमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव जिले की 6 सीटें शामिल हैं। 31 लाख मतदाता अगली सरकार चुनेंगे। कुल 190 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 42 उम्मीदवार करोड़पति हैं। कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि भाजपा का क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कोई भी उम्मीदवार इस बार मैदान में नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनावों के तहत 18 सीटों के लिए मतदान जारी है। नक्सलियों की धमकी का लोगों पर कोई असर नहीं है और मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 3 बजे तक और कुछ केंद्रों पर 5 बजे तक चल रही है। नक्सली धमकियों और हमलों के बीच हो रहे मतदान में सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले नक्सलियों ने कांकेर में बीएसएफ को निशाना बनाते हुए सीरियल ब्लास्ट किया। इस हमले में बीएसएफ के एक एसआई शहीद हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया भी गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में 300 से ज्यादा आईईडी बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष घनाराम साहू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वोटिंग से ठीक पहले इसे पार्टी के लिए झटके के तौर पर ही देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल को उन्होंने ये त्याग पत्र देते हुए लिखा है कि निजी रंजिश की वजह से बघेल उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। ऐसे में पार्टी में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब हो सकता है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल भी हो जाएं। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन की आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।